सचिन नहीं जीत पाएगी। ये हॉकी का मैच हम हर हाल में जीतेंगे, बड़ा मजा आएगा। तुझे मजा आ रहा है और मेरे यहाँ पसीने छूट रहे हैं और मुझे हॉकी खेले की जमाना बीत गया। पुलिस अंकल, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, वहाँ कुछ गुंडे हमें परेशान कर रहे हैं। हैं? चल देखता हूँ बहादुर के होते कौन तुझे परेशान कर रहा है। वो देखे, वो गुंडे इस कमरे के अंदर है। गेम शुरू होने से पहले ही भतीजे की टीम का एक खिलाड़ी आउट। ओ मामा मिया, मैंने सबके साथ चीटिंग किया। हमारे टीम में 6 खिलाड़ी हैं और तुम्हारे टीम में सिर्फ 5 खिलाड़ी। लगता है तुम्हारे टीम का खिलाड़ी खेल शुरू होने से पहले ही डर के भाग गया। बहादुर, ये बहादुर अचानक से कहाँ चला गया? ओ बंदूकनी जी, ओ भतीजे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लगता है मुझसे डर कर तुम खेल नहीं खेलने के बहाने ढूंढ रहे हो। चुप हो जाओ बिट्टू, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। उए, वो बंदा वहाँ अकेला हॉकी की प्रैक्टिस कर रहा है, क्यों ना उसे अपनी टीम में शामिल कर ले। अब भाई साहब, क्या आप हमारे साथ खेलोगे? मैं? क्या आपने मुंगेरी लाल से कुछ कहा? हाँ, क्या आप हमारी टीम का हिस्सा बनकर ये हॉकी मैच खेलोगे? जरूर। ऑल द बेस्ट मामू। घबराइए मत चाचू, मेरे होते हुए बॉल आपकी तरफ आएगी ही नहीं। मैच शुरू होते ही भतीजे ने लीड ले लिया है। बिट्टू के टीम से चंटू बंटू ने भतीजे से बॉल को लेने की नाकाम कोशिश की, पर भतीजा आगे निकल गया और उसने स्कोर कर दिया पहला गोल। सब मेरी बात ध्यान से सुनो, बिट्टू की टीम का गोलकीपर लेफ्ट हैंडेड है, इसलिए उसका झुकाव गोल पोस्ट के बाईं ओर है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अटैक राइट साइड से करना चाहिए। सुनो, उनकी टीम राइट साइड से अटैक करेगी, तुम राइट साइड में चौकन्ने रहना, ठीक है? बंदूकनी ने राइट साइड से अटैक किया, पर उनका ये डिसीजन रॉन्ग हो गया। भतीजा ने भी किया बार बार राइट से अटैक, पर गोलकीपर को जैसे पहले ही पता है, वो तो राइट में ही खड़ा है। अजीब बात है, ये गोलकीपर अचानक से लेफ्ट साइड से राइट साइड में कैसे आ गया? जैसे इसे पहले से ही हमारी टीम की प्लानिंग के बारे में पता हो। मामा, टाइम फॉर मैग्नेट हॉकी स्टिक। दिखाता हूँ अपनी आयरन बॉल का कमाल। अब बॉल है पल्ला और मिमिक्री के कंट्रोल में। पर अचानक बॉल इनके नजर के सामने से गायब कैसे हो गई? नजर में आ गई है एक नई बॉल, पर ये बॉल नहीं, ये तो निकला किसी मुर्गी का अंडा। अब मुर्गा मारेगा मिमिक्री को डंडा। बॉल गई तो गई कहाँ? बॉल है बिट्टू के पास, पर चाचा को नहीं आई गोल की पिंगरात, और के मारा बिट्टू ने अपना पहला गोल। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इस बार हॉकी स्टिक लंबी होगी। बंदूकनी जी, बॉल मेरी तरफ पास कीजिए। इतनी जल्दी भी के है भतीजे, जरा इनके मजे तो लेने दे। ओ हिम्मत है तो बॉल मुझसे लेकर दिखाओ।
बंदूक नीजी, आप हमारी टीम में हो या बिट्टू के? अरे उसके लिए गोल क्यों कर रही हो? हाँ, इस बार मुझे बॉल बिट्टू की तरफ पास करनी है। ये क्या, बंदूकनी ने खुद ही बिट्टू को बॉल पास कर दिया और बिट्टू ने मौके का फायदा उठा के गोल कर दिया। कर रही है मैडम जी, पहले हमारे ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया और अब बिट्टू को बॉल पास कर रही है, ऐसे तो हम हार जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? बंदूकनी जी ऐसी गलती नहीं कर सकती, कुछ तो गड़बड़ है। ओहो, सेम घड़ी। आइडिया, मेरा शक सही निकला। अरे अंकल ये लीजिए, आपकी घड़ी यहाँ गिर गई थी। थैंक यू भतीजे। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मुंगेरीलाल कोई और नहीं बिट्टू का मामा है, जो भेष बदलकर हमारी टीम में घुस आया है और हमारी सारी प्लानिंग बिट्टू को अपनी घड़ी के जरिए बता रहा है। रब बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, यानी वो गोल भी इसी की वजह से हुआ होगा। मैं इसे अभी सबक सिखाती हूँ। नहीं बंदूकनी जी, अब हम बिट्टू के साथ उसी का खेल खेलेंगे। अब हम मामा के जरिए ही बिट्टू तक सारी गलत जानकारी पहुँचाएंगे और उसे अपने ही जाल में फंसाएंगे। तो हमारी टीम की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? अब की बार आप आगे रहेंगे और गोल करेंगे। बिट्टू, इस बार बॉल मेरे पास ही होगी, मैं चुपके से बॉल तुम्हारी तरफ पास कर दूंगा, फिर तुम गोल कर देना। भतीजे ने मुंगेरी लाल की तरफ बॉल पास किया और मुंगेरी लाल ने बॉल में कहीं गोल स्कोर कर दिया। क्या बात है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। मामा मेरे लिए खेल रहे हैं या उनके लिए? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वेरी गुड। मामा, मैग्नेट स्टिक को फिर से इस्तेमाल करने का वक्त आ गया, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार शिकारी खुद अपने जाल में फंस जाएगा। अंकल, बॉल रुकिए। बिट्टू ने बॉल को मारा भतीजे के गोल पोस्ट की तरफ, पर ये क्या, बॉल ने मारा यू टर्न। और सीधा मेरे लाल अपने साथ लेकर गई बिट्टू के गोल पोस्ट में। अब दोनों टीम्स ने 3 गोल स्कोर कर लिए हैं। टाइम अप हो गया है, अब पेनल्टी से पता चलेगा कौन सी टीम जीतेगी। हाँ, ये अच्छा है, चाचा गोल बचा नहीं पाएंगे और जीत हमारी ही होगी। ओए भतीजे, ओए तूने तो कहा था बॉल मेरी तरफ आएगी नहीं, ओए अब हम क्या करेंगे, ओए ऐसे तो हम ये मैच हार जाएंगे। वो चाचू शांत हो जाइए, बॉल अब भी आपके पास नहीं आएगी। आप ऐसा सोचिए कि जो बॉल आपकी तरफ आ रही है वो बॉल नहीं बल्कि एक जलेबी है और आपको हर हाल में इस जलेबी को पकड़ना है। बिट्टू ने पूरे जोर से बॉल को गोल पोस्ट की तरफ घुमा दिया। देखते हैं कि चाचा इस बार गोल बचाते हैं या नहीं। हर हाल में इस जलेबी को पकड़ना है, हर हाल में इस जलेबी। और चाचा ने गोल पर रोक लिया। ये अगर तुमने 1 गोल स्कोर कर दिया तो तुम्हारी टीम जीत जाएगी। अब हम पहुंच गए हैं मैच के अंतिम चरण पर। अब भतीजा का पेनाल्टी ये फैसला करेगा कि किसकी टीम जीतेगी। सारी उम्मीद भतीजे पर टिकी हुई है और ये भतीजे ने मारा बॉल को और ये हुआ गोल। इसी के साथ भतीजे की टीम जीत गई। हमसे पंगा लेने का होगा पूरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा। भतीजा,
स्कूटर पर बड़ा प्यार आ रहा है चाचू। ओए क्योंकि ये स्कूटर ही हमें कल फंटूश नगर में होने वाली रेस जिताएगा ना। किसी की नजर न लग जाए मेरे स्कूटर को। नजर तो लग गई, मेरी बुरी नजर। जोगावर, कल फंटूश नगर स्कूटर रेस मैं ही जीतना चाहती हूँ। और रेस में अगर किसी स्कूटर से मुझे डर है तो वो है चाचा का स्कूटर। आओ रोजे, चाचा के इस पुराने खटारा स्कूटर से क्या डरना। डर चाचा के स्कूटर से नहीं, चाचा भतीजा के दिमाग से है। वो हमेशा हर बाजी जीत जाते हैं। बात तो तेरी सही है रोजे, अब क्या करें? मेरे इंजन के कार्बोरेटर में एक आईडिया अटका हुआ है, बोले तो निकालो। निकाल निकाल जल्दी निकाल, हिचका हिचका। क्या हुआ चाचू? वे ये टायर तो मेरे स्कूटर का ही लग रहा है, पर वे मेरा स्कूटर कहाँ चला गया? नहीं, मेरा स्कूटर है। पिछले 25 सालों से ये मेरा साथ दे रहा था। हेलो खोजी अंकल। अभी तो सपने में भी मुझे स्कूटर का हॉर्न सुनाई दे रहा है। चाचू आंखें खोलो, सपना छोड़ो और हकीकत देखो। चाचे ये रहा तुम्हारा स्कूटर, फुल्ली ऑटोमेटिक। ओ थैंक यू खोजी सिंह जी, पर फंटूश नगर स्कूटर रेस शुरू होने वाली है। पर रेस अगले 10 मिनट में शुरू होने वाली है और रेस ट्रैक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। ओ हम इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँचेंगे? ओ चाचे टेंशन मत लो, मैंने जीपीएस ऑन कर दिया है, ये तो 10 मिनट में पहुँचा देगा। जाओ चाचा भतीजा रेस जीत कर आना। ओ चल मेरे नए स्कूटर। क्या बात है, चाचा भतीजा का स्कूटर अब तक आया नहीं। हाँ मुझे तो लगा वही जीतेंगे, पर वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। ये स्कूटर में कहाँ ले जा रहा है? चाचू भूल गए, ये स्कूटर ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा है। रास्ते की सारी रुकावट को कैसे पार करना है ये अच्छी तरह जानता है। ओए भतीजे वो तो ठीक है, पर इस आने वाली रुकावट का क्या? नहीं ये कैसा शॉर्टकट रास्ता है, वे अब इस नाले को कैसे पार करेंगे? चाचू ये स्कूटर हमें सही जगह पर लेकर आया है, हम रेस ट्रैक पर हैं। अच्छा तो चल भतीजे। चाचा भतीजा का स्कूटर रेस में तो आ गया लेकिन सबसे पीछे है। तुम देख रहा, वो जल्दी सबसे आगे निकल जाएंगे, जीत चाचा भतीजा की होगी। क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर चोगावर, कोई मुझसे आगे नहीं जा सकता। हिचका हिचका। चाचू
से टकरा जाएंगे। ओए भतीजे तू भूल गया, ओए स्कूटर ऑटोमेटिक चल रहा है, अपना रास्ता खुद बदल लेगा। चाचू ऑटोमेटिक मोड तो सिर्फ रेस ट्रैक पर पहुंचने तक था। है? ओ ये क्या कह रहा है भतीजे? चाचू डरिए मत, देखते हैं कौन सा बटन क्या है। कम ऑन चाचू। ओए कमाल हो गया ओए। ओए भतीजे वह स्कूटर का टायर पंचर हो गया है, स्कूटर कंट्रोल में नहीं है। पंचर रिपेयर मोड ऑन। आओ, चाचा का स्कूटर वापस जुड़ कैसे गया? हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा। भतीजा क्योंकि जोगावर चाचा के स्कूटर का कुछ करो वरना हम रेस हार जाएंगे। तो फिर ये लो। जोगावर कभी चीटिंग से बाज नहीं आएगा। बलून मोड शूट। चाचा का स्कूटर हमसे आगे निकल गया। घबरा मत रोजी, मैं अभी उसे ओवरटेक करता हूँ। ओके। जब तक चाचा भतीजे साथ हैं, हम ये रेस नहीं जीत सकते। सही कहा, इसलिए अब मैं चाचा और भतीजे को अलग कर दूंगा। वही वाह, ये स्कूटर तो बोट भी बढ़ सकता है खोजी सिंह जी। मैग्नेटिक रेस ऑन। एक बार फिर से टाटा। बहुत हो गया, अब मोगावर मामा जी को बुलाना ही पड़ेगा। आ गया क्राइम का हेडमास्टर मोगावर। चाचा अब तेरी स्कूटर हवा में झूला झूलेगी। हाँ मोगावर। ओए भतीजे, ओए लगता है मेरा स्कूटर उड़ भी सकता है। चाचू स्कूटर नहीं उड़ रहा, मोगावर ने हमें हवा में उठा लिया है। आइडिया, चाचू आप स्कूटर की सीट को ऊपर कीजिए। ठीक है। एक और टाटा। अब करना पड़ेगा आखिरी बार। वो भतीजे इस जोगावर ने तो स्कूटर का पेट्रोल ही निकाल लिया, अब हम बिना पेट्रोल के स्कूटर कैसे चलाएंगे? पेट्रोल हो या ना हो स्कूटर चलेगा भी और हम रेस जीतेंगे भी। चाचू स्कूटर को कस के पकड़ लो। क्राइम का पावर, हार गया जोगावर। क्या बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।
फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, 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 चाचा और भतीजा।